हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम देखना क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखना है। ठीक, इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझना है। ठीक, तो ये भी समझिए एक मेथड ही है, तो समझते हैं इसको। सपोज करिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जनरल, कंडीशन ए इज नॉट इक्वल जीरो होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस मेथड को कंप्लीट स्क्वायर करना है, ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एक स्टेप में बताते जाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशियंट होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए है, तो उससे हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो लिख रहा हूं मैं डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो भी है डिवाइड कर रहे हैं उसे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे ए है, इसलिए ए से हमने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देन ट्रांसफॉर्म द कॉन्स्टेंट टर्म टू राइट साइड, है ना, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा शिफ्ट करना राइट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करना होगा आपको, जो भी एक्स का कॉफिशियंट है, तो एक्स का कॉफिशियंट क्या है, बी अपॉन ए है, एक्स का कॉफिशियंट बी अपॉन ए है, उसको हम टू से क्या करेंगे डिवाइड, तो टू से डिवाइड किया तो ये हो गया बी अपॉन टू ए। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर। ठीक, समझे वैसे से, जो भी एक्स का कॉफिशियंट है, तो एक्स का कॉफिशियंट बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए, उसको हमने टू से डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये बी अपॉन टू ए हो गया। ठीक, टू से डिवाइड करना या वन बाय टू का मल्टीप्लाई करना, ठीक, तो बी अपॉन टू ए उसका स्क्वायर करना है। ठीक, और ये जो स्क्वायर होगा उसको हमें बोथ साइड ऐड करना है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो मैं लिख रहा हूं ऑन एडिंग क्या ऐड करना है, बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, कहा बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करना है, तो अब ऐड कर देते हैं भाई, इधर देखिए बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर बोथ साइड, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और आरएचएस में भी क्या हो जाएगा, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स, और ये हमने जो ऐड किया ये एलएचएस में ऐड कर दिया और ये आरएचएस में, दोनों साइड ऐड कर दिया। अब ये हमारा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है, जो हम लिख रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर करने का मेथड, ये हो चुका है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये टू ए बी। ठीक, यहां पे प्लस है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर हो गया, और आरएचएस में देखिए राइट साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी, एलएचएस तो एज इट इज अभी चलेगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम सबको क्लियर है क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम फोर ए स्क्वायर। ठीक, अब ये तो एज इट इज हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर यहां पे ए है, तो अगर ए से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, फोर ए, तो फोर ए का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, सी में, ये हो जाएगा फोर ए सी। ठीक, अब इधर हमें क्या दिख रहा है, जो इधर दिख रहा है एलएचएस में स्क्वायर, तो ये जाकर उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, जो इधर का स्क्वायर था राइट साइड में जाके हुआ क्या, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। फिर से समझ लीजिए भाई, हम फिर से समझा देते हैं,
आपकी जनरल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन में हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट में शिफ्ट कर दिया तो राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक, अब ऑन एडिंग बी अपॉन टू ए, यानी जो भी एक्स कोफिशिएंट होगा तो एक्स कोफिशिएंट बी अपॉन ए है, तो बी अपॉन ए इसको टू से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद हम उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी ये थी, इसमें हमने बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर और आरएचएस में भी बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये जो प्लस है तो प्लस टू ए बी, अगर यहाँ माइनस होगा यानी एक्स कोएफिशिएंट अगर माइनस होगा तो माइनस टू ए बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, मतलब हो जाएगा ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ए प्लस है तो प्लस होने के कारण ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको ध्यान देना ये लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये टू ए बी है, जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा बी अपॉन टू ए आएगा, इसे ओपन करेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक, अब बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर सी अपॉन ए, एलसीएम लेंगे तो फोर ए स्क्वायर आएगा। ठीक, अब ये तो एज इट इज बी स्क्वायर हो जाएगा, ए से हम इसको फोर ए को डिवाइड करेंगे फोर ए स्क्वायर को, तो फोर ए आएगा, फोर ए का मल्टीप्लाई सी में हो जाएगा तो फोर ए सी हो जाएगा, इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा के हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो अपनी होगी, अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से तो हट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू, जैसे स्क्वायर रूट हटेगा डिनोमिनेटर से तो प्लस माइनस साइन, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू का स्क्वायर फोर होता है और ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और टू रूट से बाहर आएगा तो फोर रूट से बाहर आएगा तो टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब फोर जो है टू का स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर होगा तो टू, और ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा ए। अब ये स्टेप हो गई हमारी, अब इसके बाद वाली जो स्टेप है देखिए, अब हम क्या करते हैं इस कॉन्स्टेंट को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना रहता है इसमें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब ध्यान दीजिए दिख रहा होगा इधर भी टू ए यहां भी टू ए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा सेम, तो एलसीएम हो गया टू ए, अभी हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। ठीक, अब यहां पे दो साइन है, एक प्लस का साइन और दूसरा माइनस का साइन, तो प्लस का साइन, अब यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड करना है, तो रूट्स फाइंड करना है तो रूट्स यानी अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं या एक्स की, वो दो वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू होती है पहले रूट्स को अल्फा बोलते हैं और जो दूसरा रूट रहता है उसको बीटा बोलते हैं, तो यहां पर हो जाएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर हमें निकालना है तो पहले टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग माइनस साइन, तो पहला फर्स्ट रूट जाएगा कैलकुलेट करना है, तो ऑन टेकिंग प्लस प्लस साइन, ठीक प्लस साइन अगर बोलेंगे तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स की वो वैल्यू ही है अल्फा ही है ना, एक्स ही है अल्फा, मतलब बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है भाई, ये हो गया प्लस साइन रहने पे, और अगेन टेकिंग माइनस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन अगर लोगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू बीटा, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी, अब इसमें हमें रूट्स कैलकुलेट करना था, तो रूट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो पहले हम प्लस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लिया, ये माइनस ही रहेगा ना, इसमें प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस दिया हुआ, तो प्लस साइन और माइनस साइन यहाँ पे हम ध्यान देंगे, तो प्लस साइन लिया तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए पहला रूट्स हुआ जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और ऑन टेकिंग माइनस साइन तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए जो दूसरा रूट्स होगा उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे।
ठीक, तो यहां पे समझ लीजिए, इसके बाकी का और भी कंसेप्ट हम समझते हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आगे ये कि इसी को हम फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड कहां से होता है? फॉर्मूला मेथड यानी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू हम जब ये कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्स यहां से हम अगर हम इसको रिमाइंड करें तो ये फॉर्मूला मेथड कहलाता है, ठीक। तो आगे मैं इसी को नोट डाउन करा देता हूं। अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आपको ये जो पूरा मैंने मेथड किया है वैसा करके बताना रहेगा क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और फॉर्मूला मेथड से अगर बोलता है सॉल्व करिए, तो फॉर्मूला मेथड ये होता है, ठीक। ये फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड किसके लिए? इक्वेशन आपकी वही रहेगी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंडीशन यही होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एबीसी आर रियल नंबर्स, ठीक। तो फॉर्मूला मेथड हमारा ये हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हमारा फॉर्मूला मेथड है, ठीक। डायरेक्ट अब ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन अगर लोगे आप, ठीक है, तो प्लस साइन लेंगे तो एक्स की पहली वैल्यू आएगी, क्या होती है? वो अल्फा होती है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा फर्स्ट रूट, तो क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये पहला रूट्स हो गया हमारा, ठीक। ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो अगर हम माइनस साइन लेंगे, ये इधर चल रहा है ना, यही सेम चीज मैं कर रहा हूं, ऑन टेकिंग प्लस साइन ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन लेंगे तो जो दूसरी वैल्यू आएगी एक्स की, एक्स इज इक्वल टू बीटा डिनोट करते हैं उसे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूट्स। तो क्वेश्चन अगर आता है भाई कि सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला मेथड में हमें डायरेक्ट एज सॉल्व करना रहता है। अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमें शुरू से स्टार्ट करना रहता है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, फिर कांस्टेंट टर्म को राइट में शिफ्ट किया, फिर एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता उसको टू से डिवाइड करना, उसका स्क्वायर करना, बोथ साइड ऐड करना, फिर उसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना, ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद ये प्रोसेस आती है ना, ये लास्ट में आता है। अगर क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से आता है तो हमें यही से डायरेक्ट चालू करना है, इसी से डायरेक्ट चालू करना है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए दोनों मेथड, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस। थ्योरी तो आपने समझ ही लिया कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला कंसेप्ट क्या होता है आपने समझ लिया अच्छे से। लेकिन एक चीज और, नेवर ट्राई टू कॉपी ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप कॉपी करोगे नहीं, आप मेथड समझोगे, है ना, सभी मेथड्स आप समझिए। मेथड समझा आपने, कुछ क्वेश्चन समझो, फिर आप उसे सॉल्व करो खुद। अगर नहीं आता है तो वीडियोस तो आपके पास हैं, तो वीडियो से आप देख लो, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि उठाया और वीडियो से हर एक क्वेश्चन कॉपी में छाप दिया, तो छापने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप समझते जाओ, स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करता हूं, एक दो क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेथड समझ में आ जाएगी, आप खुद कर लोगे, ठीक। तो सॉल्यूशन समझो, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एग्जिस्ट बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करके रूट्स फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। अब मेथड तो पता ही, आपको क्या करना है, ये गिवन है आपका, गिवन दैट, क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहली स्टेप क्या होती है, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशियंट हो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना, तो डिवाइडेड बाय 2, कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना, तो पहली स्टेप डिवाइडेड बाय 2, 2 से क्या क्या हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ये दिस इंप्लाय एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसके बाद सेकेंड स्टेप मैंने लिखवाई थी आपको, क्या कि कॉन्स्टेंट टर्म को राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो तरीका क्या बताया था, जो भी x का कोफिशियंट हो, x का कोफिशियंट कितना, 7 अपॉन 2, साइन को मैंने नहीं लिया है ना, विदाउट साइन 7 अपॉन 2,
उसको हम 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करने यानी डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 7/4। इस 7/4 का स्क्वायर हमें बोथ साइड ऐड करना रहता है, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं ऑन एडिंग, पहले से क्या डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड में कॉन्स्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दिया, अब ये थर्ड क्या ऑन एडिंग, एड क्या करना है, जो भी x का कॉफिशियंट है, तो x का कॉफिशियंट कितना है 7/2 है, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया या 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 7/4 हो गया, उसका स्क्वायर हमने कर दिया और उसको हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, एडिंग 7/4 होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करना, तो दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बोथ साइड ऐड कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, ये LHS, और 7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2 ये RHS, बोथ साइड ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद पहले ही बताया था कि अगर ये बीच में माइनस है तो a माइनस b होल स्क्वायर, और प्लस है तो a प्लस b होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूले में डायरेक्ट क्या हो कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां माइनस है तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और RHS वाले टर्म 7 यानी 49 अपॉन 16, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3/2। अब क्या करोगे, हमें तो इसे छोड़ देना है LHS, इसे LCM लेके सॉल्व करते हैं, तो LCM बहुत ही क्लियर है 16, 2 और 16 का LCM 16, तो ये कितना हो जाएगा 49, इसका डिवाइड करो 8, 8 3 24। नेक्स्ट स्टेप होगी इसकी x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ये रही। अब अगले स्टेप में फिर देख लेते हैं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25/16, ठीक। अब दोनों ही दिख रहा है कि आखिर क्या है, मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं और स्क्वायर रूट पुट करूंगा, स्क्वायर रूट पुट करने पे क्या हो जाएगा, तो कर देते हैं भाई अगली स्टेप इसकी, x माइनस 7/4 इक्वल टू अंडर रूट 25/16, रूट से जब भी बाहर आएगा तो प्लस माइनस साइन और ये 4, 25 रूट से 5 हो जाएगा और 16 रूट से बाहर आएगा तो 4, ठीक। ये हो गया आपका x माइनस 7/4। अब इस 7/4 को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब ये x की दोनों वैल्यू हैं। अब हम इस यहां से क्या करते हैं, ऑन टेकिंग प्लस साइन ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो दोनों साइन के लिए सॉल्व करना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ऑन टेकिंग प्लस साइन लिया, तो प्लस साइन के लिए क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, एलसीएम सेम है तो बस एलसीएम सेम ही हो जाएगा, इन दोनों को एड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है 12/4 7/5 है ना, तो 12 और एलसीएम 4 कैंसिल हो गई, क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, एक वैल्यू तो इसकी 3 हो गई, कब, जब हमने प्लस साइन लिया। अब अगेन ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन टेकिंग माइनस साइन तो माइनस साइन के लिए x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, ठीक। तो 7 एलसीएम सेम है तो 7 माइनस कर दे, 7 माइनस 5 यानी कितना 2/4, दैट इज 1/2, तो x की जो सेकेंड वैल्यू है 1/2 है, तो x की पहली वैल्यू हो गई आपकी 2 3 एंड दूसरी वैल्यू 1/2, तो आपको अब ध्यान देना है लास्ट स्टेप, देयरफॉर x is equal to 3 and x equal to 1/2, ये आपका फाइनल आंसर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कर तो फिर से करता हूं सॉल्व। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, सेकेंड क्वेश्चन 2x² + x - 4 = 0 सॉल्यूशन आपको गिवन है, ये तो गिवन दैट लिख दो, गिवन दैट 2x²
प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेप डिवाइडेड बाय टू, टू से डिवाइड करें तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू एक्स, या एक्स बाय टू, टू से डिवाइड करोगे तो क्या होगा टू इक्वल टू जीरो। फोर डिवाइडेड बाय टू यानी टू, टू से ये भी डिवाइड हुआ, तीनों है ना, तीनों टर्म डिवाइड हो गई, तो यहां पे हो जाएगा एक्स बाय टू आ जाएगा, एक्स बाय टू आ गया ठीक। यहां पे फोर था तो माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब कॉन्स्टेंट को हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होगी जो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू इक्वल टू टू। अब क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो हाउ टू चेंज x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं क्या है 1 by 2 है, है ना, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1 by 2, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 1 by 4, 1 by 4 का स्क्वायर क्या करना है बोथ साइड ऐड करना है, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग 1 by 4 होल स्क्वायर बोथ साइड, तो ऐड कर देते हैं 1 बाय 4 होल स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो गया ये ऐड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4 स्क्वायर प्लस 2 ठीक। अब आगे हमें पता है दिस बिकम ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनिशियल टर्म 2ab, नेक्स्ट 1 अपॉन 16 प्लस 2, एलसीएम 16 टू जा 32, 32 प्लस 1 या एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम 16 तो 1 प्लस 32 क्रॉस मल्टीप्लाई 32 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो ये कितना हो गया फाइनली 33 अपॉन 16। नाउ x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी x प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू अंडर रूट 33 अपॉन 16, नाउ अगेन प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4, 16 बाहर आ जाएगा बट रूट में अंदर क्या रहेगा 33 रूट में रहेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4, ये हो गई x की वैल्यू, तो x की ये बोथ वैल्यू है, ये इरेशनल फॉर्म में है क्योंकि रूट 33 है, तो हम इस इरेशनल वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करें, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे एज इट इज, लेकिन फिर भी मैं इसे सेपरेट करके लिख देता हूं ऑन टेकिंग प्लस साइन एंड ऑन टेकिंग माइनस साइन। टू फाइंड रूट्स, टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन अगर हमने लिया है ना रूट्स फाइंड करने के लिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 प्लस रूट 33 प्लस रूट 33 अपॉन 4, एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, या और में ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4, ये हो गई x की फर्स्ट वैल्यू ठीक। अब सेकेंड ऑन टेकिंग माइनस साइन अगर हम लेते हैं तो माइनस साइन लोगे आप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, रूट 33 निगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं होना है, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 माइनस रूट 33 अपॉन 4, सेम बोथ आर माइनस तो माइनस 1 माइनस रूट 33 एलसीएम सेम है तो ये x की सेकेंड वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4 ये सेकेंड वैल्यू ठीक। तो आप बोथ वैल्यू को लिख सकते हो वैसे या दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों रूट वाले हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1 बाय 4 एंड x इज इक्वल टू इस दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लिया हमने रूट 33 प्लस 1 अपॉन 4। बुक्स में जो आंसर होगा मैच कर लेना, ये भी पूरा सही है ठीक है।
अगर एक साथ करके लिखा हुआ है तो लास्ट रिजल्ट जो यहाँ पे लिखा था हमने वो कंप्लीट था, यानी इससे पहले वाला जो रिजल्ट था, तो आप वैसे भी आंसर पूरा छोड़ सकते हो, ठीक। और टेकिंग प्लस है माइनस है करके यहां तक एक्सप्लेन, और ये फाइनल रिजल्ट हमारा। तो नोट डाउन कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक। बट बच्चों नेवर ट्राई टू कॉपी ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स। मैं अगेन अगेन बोल रहा हूं कि आपको सभी क्वेश्चंस कॉपी में कॉपी नहीं करना है ना, कॉपी नहीं करना है वीडियो लेक्चर से। आप फर्स्ट ट्राई, पहले आप ट्राई करो, देन अगर नहीं आता है कहीं समझ में तो वीडियो देखिए आप, तो समझिए क्वेश्चन फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन भाई, गिवन दैट 4x² + 4√3x + 3 = 0। फर्स्ट स्टेप क्या, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से आपने डिवाइड, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, डिवाइड कर दिया, ये बचा x स्क्वायर, ये हो जाएगा √3x, 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 = 0, ये आपकी पहली स्टेप कंप्लीट, ठीक। शिफ्ट दी कॉन्स्टेंट टर्म इन राइट साइड, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड हम शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √3x = -3/4 शिफ्ट कर दिया। अगेन वी हैव टू कंप्लीट इन परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करें, x का जो भी कोफिशिएंट है √3 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दिया, अब इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, और क्या होगा, ठीक। तो इसे हमें बोथ साइड ऐड करना है, तो ऑन एडिंग क्या √3/2 whole square बोथ साइड हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद देखिए कितना खूबसूरती से ये चेंज हो जाएगा, ठीक। ये चेंज हुआ आपका x² + √3x + √3/2 whole square, ये √3/2 whole square - 3/4, ठीक। अगेन नेक्स्ट स्टेप a² b² 2ab, यानी x + √3/2 whole square, और एंड राइट साइड देखिए क्या होगा, 3/4 - 3/4, ठीक। तो ये कैंसिल हो गए दोनों, क्या हो गए, 0, और ये x + √3/2 whole square = 0। अब ध्यान दो भाई, अगर कॉन्स्टेंट टर्म में राइट साइड में 0 आता है तो हमें दोनों रूट्स निकालने हैं, यानी इस केस में क्या होता है कि बोथ रूट्स विल बी सेम, है ना, दोनों रूट्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो एक जैसा रूट्स होगा, तो स्क्वायर है तो इसको 2 times हम लिख देते हैं, आपको 2 roots निकालने हैं ना, क्योंकि अब इसको स्क्वायर रूट लगाओगे तो खत्म ही हो जाएगा फिर, तो एक ही लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो स्क्वायर है तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। तो कैसे हो जाएगा, x + √3/2 and x + √3/2 = 0, ठीक है। अब यहां से हम दोनों कंपेयर कर लेते हैं, इसको 0 से कंपेयर करो तो x की वैल्यू आएगी, और इसे भी 0 से कंपेयर करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, क्योंकि अब यहां पे नॉन टेकिंग प्लस साइन माइनस साइन जैसा कुछ है नहीं, इधर प्लस माइनस साइन खत्म ही हो गया, ठीक। तो आप देखिए, टू फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या करें हम, x + √3/2 = 0, तो दिस इंप्लाई x = -√3/2, ये पहला रूट, सिमिलरली x + √3/2 = 0, तो ये सेकेंड रूट्स भी x = -√3/2। भाई इस केस में ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों आंसर एक होगा, है ना, इसको भी 0 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू आई, इसे भी 0 से कंपेयर किया तो वही सेम वैल्यू है, ठीक। जब भी RHS में 0 होगा तो दोनों रूट्स भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, तो इसे नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² + x + 4 = 0। सॉल्यूशन, अगेन गिवन दैट 2x² + x + 4 = 0,
फर्स्ट स्टेप क्या, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, इस टाइप से। तो 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा x स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा x अपॉन 2, और ये कितना कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, ये 2 से डिवाइड कर दिया भैया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक, अब क्या करना, शिफ्ट दी कॉन्स्टेंट टर्म इन राइट साइड, तो नेक्स्ट स्टेप इसकी हो जाएगी, अगली स्टेप, नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2। ठीक, अगेन 2 कंप्लीट इन परफेक्ट स्क्वायर, तो हाउ टू कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, एक्स का कोफिशियंट, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है आपका सबको दिख रहा है भाई, 1 अपॉन 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना 1/4, 1/4 क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर एड करना रहेगा, ऑन एडिंग 1/4 होल स्क्वायर बोथ साइड, तो बोथ साइड ऐड किया, तो देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 1/16 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस प्लस 1, तो कितना माइनस 31 अपॉन 16, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, 1 माइनस 32 अपॉन 16, एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 31 अपॉन 16। यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में आ गई टर्म, ये माइनस है ना, तो माइनस किसी का भी स्क्वायर माइनस हो सकता है क्या, कोई भी नंबर हो इसका हमें स्क्वायर करना है, ये कोई नंबर है उसका स्क्वायर, तो नेगेटिव हो सकता है क्या, यहाँ पे नहीं हो सकता है, कुछ भी हम ले लें, माइनस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस का 4, प्लस का तो प्लस होता ही है, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ही, लेकिन माइनस वाले का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये बोला है कि इस पूरे का स्क्वायर नेगेटिव है क्या, नहीं होगा, है ना, तो निगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा आपका कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, द स्क्वायर ऑफ नंबर्स नेवर निगेटिव, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स नेवर बी निगेटिव, है ना, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, तो निगेटिव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसका रूट्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, देयरफॉर नो रियल रूट्स पॉसिबल, ठीक, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और रियल रूट्स इसके पॉसिबल नहीं होंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, इसके बाद से सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का नेगेटिव दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स नेवर बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, सो नो रियल रूट्स भी पॉसिबल, है ना, नो रियल रूट्स पॉसिबल, तो इस इक्वेशन का रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले आपको देखना है, समझना है कंसेप्ट, एक क्वेश्चन आप बिल्कुल वीडियो से समझिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करें, क्वेश्चन नहीं बनता है इन केस में फिर से आप वीडियो देखें। ठीक, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आपको सीखना है तो सीखने के लिए ट्राई करना पड़ेगा, तो पहले ट्राई करें, नहीं आता फिर देखिए, वो तो है ही आपके पास।